नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार की दो विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। दोनों विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया। धारा 144 को सख्ती से लागू करने के लिए डीएम और एसएसपी को निर्देश भी दे दिए गए। वोटिंग को लेकर आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग होती रहेगी। गोपालगंज में 193 स्थान पर 330 बूथ बनाए गए, तो वहीं मोकामा में 174 स्थानों पर 289 बूथ बनाए गए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। पेट्रोलिंग पार्टी भी रखे हैं, सेक्टर पार्टी रखे हैं, जोनल रखे हैं, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। बहुत काफ़ी संख्या में हम लोग फोर्स डिप्लॉय किया है। इसके लिए हम लोग किसी को इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रकार का लॉन्डर का समस्या होगा या किसी ने आप लोगों को वोट डालने से प्रतिहित किया जाएगा या वंचित करने का कोशिश किया जाएगा, ये संभव नहीं है। पुख्ता इंतजाम है सिक्योरिटी का। और जहाँ तक हमारा पोलिंग पार्टी ये सब है, आज डिस्पैच शुरू हो गया है दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो निर्धारित समय है कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे, इस बीच में हमारा मतदान होगा। तो देखिए, डीएम और एसएसपी को निर्देश दे दिए गए हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए। और आपको बता दें, देखिए ये दोनों ही सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूं कहें कि नाक की लड़ाई बनी हुई है, और तभी आप देख सकते हैं कि हर पार्टी पूरी ताकत झोंक चुकी है चुनाव प्रचार में। हालांकि अब देखना होगा कि किसके सिर पर ये ताज सजेगी, लेकिन आपको बता दें कि दोनों सीट पर ही धारा 144 लागू कर दी गई है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। विधानसभा में कुल 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 3,31,469 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोनल, सुपर जोनल, एक्स्ट्रा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं 9 जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। देखिए, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। और आपको बता रहे हैं कि हर जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से कराई गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं थावे डायट सेंटर में, जहां से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर रवाना हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें ईवीएम और चुनाव सामग्री का वितरण किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल को इस चुनाव में लगाया गया है। गोपालगंज विधानसभा में कुल 3,31,000 मतदाता हैं, वहीं 9 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। वहीं मतदान के लिए 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, वहीं 9 जगहों पर ड्रोन कैमरे से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। डीएम का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जोनल, सुपर जोनल और एक्स्ट्रा सुपर जोनल के रूप में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है, और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान का कार्य कराया जाएगा। मधेश तिवारी, जी मीडिया, गोपालगंज।